कर लिए, मेरे साथ कर लिए, हाय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए, हाय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए, हाय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए, दो बात कर लिए मेरे साथ कर लिए, हाय मत घबरावे पिया जी तू बेटा भर लिए। वरदाना हाँ शेख जी, मेरी सुन, साइकिल यहाँ खड़ी कर देते हैं। ठीक है ठीक है। और बाजार में भीड़ में कहाँ लेके जाएंगे? हाँ दवाई वाई ले आवा, बाजार में घूम आने, तब लेके जाएंगे इसे। ठीक है चलो। आ जा चलो। हाँ शेख जी, अच्छा लग रहा ना मार्केट। हाँ शेख जी, शेख जी हाँ, मुझे समोसे खिला दो। समोसे कहाँ खिला दो, समोसे खिला दो, समोसे खिला, पैसे नहीं है, हम भी रहे नहीं, मैं समोसे खिला दो। शेख जी मुझे नहीं पता, मुझे तो समोसे खाने हैं बस। घर में तुम्हारी अम्मी मेरा मूड चढ़ाती रहती हैं, और ना तुम मेरा कहना मानते, मुझे तो कोई लाड़ प्यार ही नहीं करता। लाड़ प्यार से ले, ये बस समोसे तो मैं ले आता। हाँ। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। हाँ। शेख जी मुझे नहीं पता, मुझे तो समोसे खाने हैं बस। एक बार सुन। क्या? मेरे तो पैसे तो है नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? मैं तुझे बताता हूँ, लखन हो रहा हूँ। ये सही है, कर दूंगी ऐसे, बिल्कुल ऐसे कर दूंगी। अगर तूने ऐसे कर दिया, हाँ, ठीक है। पता नहीं दवाई लेन गया या पूरा बाजारी उठा के लाएगा। आज वो गई है ना साथ में हरामजादी। जिस दिन से घर में आई है घर का नाश हो लिया। मुझे तो कुछ समझती ना है, मैं घर में हूँ या ना हूँ, सास हूँ नहीं हूँ, कोई किसी का लिहाज ना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात हो गई चाची, अकेले बैठे बैठे कैसे बड़बड़ा रही हो? और वो ना दिखाई दे रही तुम्हारी बहू रुखसाना? अरे उसे ही तो रो रही हूँ। शेख चिल्ली के साथ बाजार गई है दवाई लेने, 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक तो आई ना महारानी। पता नहीं कहीं खारी होगी हराम की चाट पकौड़ी। चाची बाजार तो हम भी जाते हैं, जिस काम से जाते हैं बिल्कुल सीधे अपने घर वापस आते हैं, मजाल जो कहीं और चले जाए हम। ना 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 ना, पहले तो वो महारानी पूरा बाजार घूमेगी, फिर जब सामान लेगी, जब घर में आना हो। मेरा तो जन्म दुखी हो गया, और मेरा बेटा शेखू वो तो बेचारा पिस कर रह गया, मैं तो बहुत परेशान हूँ। चाची तुम रुखसाना का तलाक करवाओ शेख जी से, मैं अपनी बहन का निकाह करवा दूंगी, बिल्कुल मेरे जैसी है। अरे तो बोल तो ठीक रही है, और ये सही भी रहेगा, मगर एक बात है, पक्का करा दियो, कभी मैं कहीं की भी ना रहूं। क्या बात कर रही हो चाची, जो मैंने बोला करके दिखाऊंगी, और तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं अपने आप करूंगी। तो पहले अपनी बहन को बुला, पहले मैं उसे देखूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो तुम चाची, मैं अभी बुला लेती हूँ, अभी फोन करूंगी, अभी के अभी आ जाएगी वो तो। अरे बुला लियो, फिर बुला लियो, रुखसाना आने वाली है, उसके सामने बात मत करियो। मैं क्यों करूंगी भला रुखसाना के सामने बात चाची, मैं तो ऐसी तुमसे कह रही थी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बुलवाती हूँ अपनी बहन को। तू अपनी बहन को बुला, आने तो हरामजादी को, आज ही तलाक दिलवा दूंगी। ठीक है चाची, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है, आने दे हरामजादी को, आज अगर तलाक ना दिलवाया तो मेरा नाम भी जमीला नहीं जमीला। अरे महेश, अरे बर्फी बन गई क्या? बना रहा हूँ। और समोसे? समोसे भी तले रखे हैं। ठीक है, जब ये बिक जाओ और तड़ दियो। ना? हाँ शेख जी, रसगुल्ले खाएगी, समोसे, मर्जी। शेख जी समोसे ले लो।
भाईजान, समोसे अच्छे भी हैं। अरे शेख भाईजान, कैसी बात कर रहे हो? हम जान पहचान वालों को गलत माल देंगे क्या? भाईजान, इनका मतलब ये था कि ये साफ सुथरे खाते हैं बिल्कुल। कोई बात नहीं, अगर अच्छे ना लगे तो पैसे मत दियो। ठीक है ना शेख जी, अब तो खुश हो ना? हाँ ठीक है ठीक है, जब तेरी जीप लपाटे ले ही रही है तो ठीक है भाई, दे दे समोसे, बना दे बढ़िया से। अच्छा कितने दे दूँ? खिला एक प्लेट तो खिला। ठीक है दे रहा हूँ। कितने देने, अच्छे लगे तो खाए जाएंगे। हाँ शेख जी, पूछ रहा, दे नहीं रहा। स्वाद सा बनाइयो। ये लो। तेरे सारा ले। गरम समोसे, समोसी समोसे है, समोसे समोसे। हमारे यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े बनाते हैं। हाथी कौन इतने बड़े बड़े मोटे मोटे। मुल्ला जी, कैसे लगे समोसे? लाओ पैसे दो। शेख जी, शेख जी, क्या हो गया शेख जी? शेख जी तुम्हें क्या हो गया? ठीक तो हो शेख जी? अरे अरे मुल्ला जी, क्या हुआ क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हो रहा। हाय अल्लाह, क्या हुआ क्या? आराम से शेख जी। अरे क्या हुआ मुल्ला जी? अरे क्या शेख हुआ जी? बताओ तो कैसे सही, आग से फेर रहे हो? तो सही हुआ कुछ नहीं, अब होने वाला है। हैं? होने वाला है? अरे मुल्ला जी होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? होश नहीं आ रहा है। होश नहीं आ रहा? हाँ। क्या हो गया, क्या हो गया ऐसे? बहन जी, हाँ जी, इन्हें ऊपर को बिठवा दो। हाँ भाईजान तुम सही कह रहे हो, बिठवाओ इन्हें ऊपर बिठवाओ। उठो शेख जी, आय अल्लाह। आओ शेख जी पीछे आ जाओ, आय अल्लाह। बैठ जाओ शेख जी, आराम से बैठ जाओ पीछे को। आय अल्लाह शेख जी, शेख जी, शेख जी कैसे कर रहे हो? शेख जी क्या हो गया? शेख जी, शेख जी कैसे कर रहे हो? हाँ, मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं आ रही, काम नहीं कर रहे। क्या? फर कर रहे हैं। फेफड़े काम नहीं कर रहे? नहीं। ओ समोसे वाले भैया, ये तूने कैसे समोसे खिला दिया हमें? अरे भाई कैसी बात कर रहे, सब खा खा के जा रहे, अब तक तो किसी ने शिकायत करी ना, कई कई लपेट रहे। मैं तो पुलिस में जा रही हूँ। चलो शेख जी पुलिस में चल रहे हैं। मुल्ला जी मुझे माफ कर दो, अब तुम ऐसा करो पुलिस में मत जाओ, तुम अस्पताल में जाओ, इलाज मैं करवा दूंगा। शेख जी भाई, अरे मुल्ला जी बोल रहा, कभी शेख चिल्ली बोल रहा, ऐसे काम ना चले, पुलिस में जाना पड़ेगा पुलिस में। शेख जी तुम इससे बात मत करो, पहले अपने आप को बचा लो। शेख जी, शेख जी। भाईजान ये लो मेरी आज की कमाई के सारे पैसे, तुम ऐसा करो पहले अस्पताल जाओ, इनका इलाज करवाओ। भाई अस्पताल की दवाई से काम नहीं चलेगा, पहले पुलिस में जाऊंगा। अरे नहीं भाईजान, तेरा सारा सिस्टम चेक करवाऊंगा। यो भाईजान ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। पैर जोड़ता हूँ, काम नहीं चलेगा, पैरों में लौटना पड़ेगा। ले, लेट गया, ले ले भाईजान, मत जाइयो पुलिस में मत जाइयो भाईजान। बेचारा जब तुम्हारे कहने से तुम्हारे पैरों में लेट गया, चलो घर ही चलते हैं। अबे अबे इसी कम तो हुई है। हाँ, कम चलो हुई? चलो शेख जी। अरे मुकर का लेट रहा है? हाँ लेट रहा हूँ। चलो अब जाओ अस्पताल। अबे बस इतनी दुकानदारी हुई है सुबह से? हाँ इतनी हुई है, तुम पहले दवाई लाओ, जाओ चलो। लौट आ रही है तेरी लाश के ऊपर को उतरूंगा। हाँ मेरे ऊपर उतर के चले। हाँ भाईजान एक बार खुद वालो अपने ऊपर को। हाँ कूद जाओ चलो, कूद जाओ। हाँ चलो। मारोगे क्या इसे? ये पैसे ले लेगा सारे अगर इसका कुछ हो गया तो। ए ऊपर वाले, आज तूने मुझे बचा लिया, समोसों में गड़बड़ बता रहा, समोसों में कुछ मिल रहा दिख है, मैं सारे समोसे फेंक दूंगा।
बाजी मेरा तो मन सा घबरा रहा है। अरे कुछ ना होगा। सुन बानो, मैंने तेरी निकाह की बात पक्की कर ली है चाची से। उसका तलाक करवा दूंगी, फिर तेरा निकाह पक्का, दोनों बहनें एक ही गांव में रहेंगे फिर। मगर बाजी, मैंने तो उससे तलाक ही नहीं लिया है। आए हाय, अभी तक तूने उससे तलाक भी नहीं लिया और मैंने तेरे निकाह की बात भी पक्की कर ली चाची से। चल छोड़, कोई बात नहीं, चलते हैं चाची के पास, तुझे दिखा दूंगी और इस बहाने तुझे घर भी दिखा दूंगी चाची का। चलो बाजी, जैसा भी होगा देख लेंगे। चला जा। चलो वो अम्मी वाली दवाई पैक कर दो। हाय अल्लाह, थक भी गई शेख जी। पूरी दवाई दियो। हाँ, पन्नी में दो, पन्नी में। पूरी दवाई है ना? हाँ पूरी दवाई। दादा कितने घंटे कितने दिन खानी अम्मी को दवाई है? ये ज़्यादा नहीं, 8-10 दिन खानी है बस। ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, चलो चलो रुखसाना, पैसे डॉक्टर साहब अम्मी देगी साफ करके अपने आप। आ रुखसाना, रुखसाना। हाँ जी। बहुत बार हो चुकी। हाँ तो झाड़ी बन गई। हाँ पर शेख जी, हाँ। भीड़ बहुत थी मार्केट में। क्या भीड़ तो रहा भैया, इसलिए तो यहाँ खड़े करना साइकिल। हाँ चलो। कैसे कैसे करेगी? चला ले तो साइकिल है तुम शेख जी, मुझे मोटरसाइकिल पे कब बिठाओगे? बैठा दूंगा मोटरसाइकिल, बैठ जा पहले। ये मोटरसाइकिल नहीं है, अभी बैठा दूंगा साली। मोटरसाइकिल बैठ जा पहले। मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ उसके लाला क्या चल रहे हैं? हाँ साले को और पैसे लेने, हिसाब करना पूरा। ठीक है शेख जी चलो। हाँ साले को भरवा दूंगा, नहीं देगा तो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। अरे चाचा समोसे कैसे लग रहे हैं? अच्छा बढ़िया लग रहे। अरे जल्दी बना दे, 2 समोसे बचे। अरे लाला जी, मैंने सुना कोई लफड़ा हो गया था, क्या बात हो गई थी? अरे हाँ भाईजान, लफड़ा हो गया था। क्या हो गया था? वो मुल्ला जी आए थे। अच्छा। उन्हें मैंने समोसे दिए। ठीक। और समोसे खाते ही लेट गए वो तो। लेट गए? हाँ। फिर आंख फाड़ गए। अच्छा। और उनकी बीवी भी साथ में थी। हाँ। कहने लगे मेरी तो ऑक्सीजन कम हो रही है। फिर राड कैसे कटी? राड ऐसे कटी, हाँ मेरी दुकानदारी के सुबह से शाम तक के जितने पैसे थे, ठीक है, वो सारे मैंने उन्हें दे दिए जब राड कटी। अच्छा। ओ लाला जी। ओ भैया मेरे पास ना समोसे, जाओ। समोसे लेने ना आया हूँ। और क्या लेने आए हो? देने आया हूँ। दे दो पैसे। पैसे ला, इसका मतलब ये लो, ये ले। ये क्या है? पढ़ ले बिले बिल। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, मेरी समझ में तो आता नहीं। भाईजान तुम पढ़ दोगे? इंग्लिश हाँ पढ़ावा हूँ मैं। मेडिसिन 1500 रुपए, ग्लूकोज 2800 रुपए, ब्लड टेस्ट 500 रुपए, डॉक्टर फीस 300 रुपए, 5100 रुपए का बिल है भाई। 5100 तूने दिए 1700 रुपए और डॉक्टरी में 5100 रुपए। अब ये हिसाब कर रहा है, पुलिस में जाऊँ? मेरे घर वाले तो भाई कह रहे हैं पुलिस को। भाईजान पुलिस में ना जाइयो। पुलिस में ना जाओ तो रुकसान मत दीजिए। पुलिस में ना जाने दे रहे तो पैसे देने पड़ेंगे पूरे खर्चे के। दे रहे हो या पुलिस में जाऊं? अरे मुल्ला जी गरीब आदमी, कुछ तो कम कर दो। कुछ क्या करना, 5100 रुपए, 100 रुपए हमारी तरफ से कम हो गए। 5000 दो। दे दे। देने तो बता ना, तो पुलिस में जा रही हूं। दे रहा हूं, दे रहा हूं, बंधवा दूंगा सब टंडी रहा है। दे रहा हूं, दे रहा हूं। है पैसे? सारा हलवाई पना निकाल देंगे यही पुलिस वाले आके। बनवा दूंगा रसगुल्ला। कितने हैं ये? पूरे 5000 हैं। तो दे दे मुझे, क्या दिखा रहा है? लो भैया ये मैंने, चल के नमाज़ रहा, 5000 होंगे पूरे। ये चीनी की बोरी के लिए रखे थे। चीनी की बोरी के और समोसे देख के बनाया कर। ऐसे ऐसे ये पढ़े लिखा आदमी है, ये खा लेंगे तेरे समोसे। लो जी बिल भी ले जाओ अपना। लाओ दो। चलो शेख जी। और भाई मैं भी ना खा रहा तेरे समोसे, मैं भी जा रहा हूँ। भैया दुकानदारी खराब हो गई अपनी तो। चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कुर्सी खींच ले बेटा, कुर्सी पे बैठ जा। चाची ये है मेरी बहन बानो, एक फोन पे ही आ गई। अच्छा चाची, रुखसाना दिखाई ना दे रही कहीं? उसका नाम ना ले हरामजादी का,
गरम जली ने मेरे नाक में दम कर रखा है, उसका तो मैं तलाक करवा के रहूंगी। अभी अभी ना बाजी ने बताया है कि आप कितनी अच्छी हो, आज तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से भी देख लिया। अरे यही तेरी छोटी बहन है? हाँ चाची, अभी अभी तो बताया था, इतनी जल्दी भूल गई? अरे उस हरामजादी ने मेरा दिमाग डिसबैलेंस कर रखा है, मेरी तो याददाश्त भी कमजोर हो गई है। अरे ये तो खिदमत करना भी जाना है। अच्छा तो मैं चलूं हूँ चाची, कभी वो आ जाए शक हो जाएगा। हाँ हाँ बेटी निकल जाओ, अगर वो आ गई तो मेरी जान को आफत कर देगी मेरी सुसरी। मैंने तो आपको आज से ही अपनी सास मान लिया है। अरे ज्यादा जल्दी मत कर, पहले तलाक तो हो जाने दे। तलाक तो होता रहेगा, मैं अपने आप करा लूंगी। देखा चाची, मैंने कहती थी मेरी बानो कितनी समझदार है, बहुत तेज दिमाग चलता है इसका। क्या ये मेरा काम भी आसान करा देगी? इसका मतलब है तलाक बाद में होता रहेगा, तुम्हारी सेवा में रहेगी ये तो। ठीक है उसे आने दे, या तो अपने आप जाएगी वरना उसे डंडे मार मार के तलाक करवा दूंगी। मगर मैं इसकी बात समझी नहीं, ये अपने आप तलाक करा लेगी? चल वानो, ये तो पागल है चाची। है पागल है? फिर तो मेरे साथ धोखा क्यों कर रही है? ये पागल मेरी बहू बनेगी? मेरा मतलब वो नहीं था, ये जल्दी खिदमत करने के चक्कर में है इसलिए बोल दिया मैंने तो। ठीक है तलाक उधर और निकाह इधर। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। या मेरे परवरदिगार, कितनी अच्छी लड़की है, कितनी खिदमत करती है, ये तो मेरी बहू बनने के लायक है। साइकिल क्यों रोक दी? बस साइकिल इसलिए रोक दी, मार्केट में घूमी आई, लेके कुछ नहीं आई, तुझे खिला ला समोसे। एक बात बता रुकसाना। शेख जी, तेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ से आई? शेख जी, जैसा तुमने मुझसे बताया था बस ऐसे ही कर दिया। हाँ पर तेरे अंदर जो बुद्धि आई थी वो वाली सेट काम करा। मगर रुकसाना। हाँ जी। ऐसे मैं भी कर सकूं? कैसे? जैसा दिखलाई बुद्धि। तुम भी कर सकते हो? हाँ। शेख जी जरूरी नहीं है जितना काम तुम मुझे बताओगे उतना ही करूँगी, कुछ अपनी बुद्धि से भी करना चाहिए। बुद्धिमान होगी तू। हाँ। मैं अपनी बुद्धि से मैं भी करके दिखा सकूँ, उससे भी डबल। इससे भी डबल? हाँ। दिखाओ तो करके दिखाओ। दिखा दूंगा किसी दिन, जिस दिन तू मेरी गाल चलेगी और किसी दिन ऐसा वक्त पड़ गया उसी दिन करके दिखा दूंगा। अभी नहीं दिखा सकते? अभी दोबारा लूट के दिखाओ। दोबारा लूट के दिखाओ तो? हाँ। चल जिस दिन मौका पड़ेगा दिखा दूंगा। चलो चलो दिखाओ। तुझे क्या जरूरत थी ये कहने की कि तलाक मैं करवा दूंगी? तुझमें ज्यादा अकल है तो और क्या बोलती? वो क्या सोचेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा तलाक तो हुआ ही नहीं, तब क्या समझेंगी? राम जादी, मैंने कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी तेरा रिश्ता पक्का कराने में, पर तू है कि मेरी ससुराल में रहना ही नहीं चाहती ऐसा बोल बोल के। तो तुमने ही तो कहा था कि जाते ही सेवा करने लगी हूँ। ऐसा मुंह पे मारूंगी खिंचा के, ऐसा बोला था मैंने? गदी ना मारे, बड़ी होगी बड़ी की जगह पे। हराम जादी मार मार के मुंह का कचुम्बर बना दूंगी। अभी ऐसा मुंह पे मारूंगी, मुंह बिल्कुल लाल कर दूंगी। कदी किसी भुलाए में रह रही हो? मैं कह रही हूँ इस मुंह को बंद कर ले और मार के दिखाइयो जरा। ना बने मत ना, दादी बन रही हूँ पूरी। मैं कह रही हूँ ये चालाकी करके दिखाऊंगा भाई। मार दिया, कम वक्त तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आ जाए तेरा।
तुम्हारी टांग नाश जाए तेरा, तुझे साइकिल दिखाई दे रही है, मेरी बहन ने दिख रही तुझे फूल जैसी की टांग तोड़ दी तूने, इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट क्राइम, पुलिस में जाऊंगी, रिपोर्ट करवाऊंगी तेरे नाम की। शेख जी टांग मेरे ले रही है तेरी, मेरे ले रही है टांग, इसका फैसला करूंगा, पूरा पंच फैसला करूंगा, जब जान दूंगा कहीं, जब जान दूंगा पहले फैसला होएगा। रुक जाना, देख इनके साथ क्या क्या करूंगा मैं। बाजी ये मेरे साथ क्या करेगा, क्या क्या करने की कह रहा है? तू डरे मत, जो करेगा मैं तैयार हूँ। हैं तैयार, प्रधान के चल, प्रधान के लेके चलूंगा, प्रधान का फैसला होगा, प्रधान के चल, चल तो चल, प्रधान के चल, हम भी बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। चल मेरा यार है प्रधान बसाने का, चल चल तो चल, तेरे यार को ही देखूंगी पहले, चल चल। तेरा आराम से मसला तो यही है, चिल्लाए रही है, चोट साइकिल का लगी है। मतलब साइकिल की चोट दिख रही है, अपनी नहीं दिख रही? मुझे अपनी चोट का दर्द नहीं है, मेरी साइकिल की चोट लगी है, मेरी साइकिल। चलो बिल्कुल पागल ही हो, सारा हिसाब कर लूंगा पंचायत का, सारा एक एक बात का। अबे ये भी दिल था, साइकिल भी दिल था, हमें तेरे दर्द नहीं है, भी दिल था, ढंग से साइकिल आजा, अब तो फैसला पूरा करवा के मानूंगी, बिल्कुल पक्की मोहर लगवाऊंगी प्रधान से। बाजी मेरे तो दर्द हो रहा है। हाँ शेख जी, बहन को पद्दी बैठा रही है, तू मुझे पद्दी बैठा ले, साइकिल लेके बैठे। ना शेख जी, तुम तो बहुत भारी हो। है भारी हो, साइकिल भी काम करा, साले घर के नाक मार रहे हैं, हल्की भारी तय हुई तुम्हें, ले साइकिल लेके बैठ। मैं नहीं, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह मार दिया रे, पागल हो गए हो क्या? भाइयों, आप लोग भी और गाँव का कोई भी बंदा कई दिनों से कोई केस नहीं लाया, ऐसी प्रधानी का मैं क्या करूँ? प्रधान जी, अब सब लोग गांव में चालू हो गए हैं। प्रधान जी, अब सब समझ गए हैं आपकी नियत को। जी आप पैसे लेके फैसला करते हो तो फिर आपके पास कौन आएगा? अरे पागलो, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे कोई पैसे देने वाला है? आप लोगों का खर्चा कहां से निकलेगा? हाँ ये बात तो सही है भाई। ठीक है प्रधान जी, हम आपके साथ हैं। बाजी मर गए, मुझे तो लगता है मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई है। चुपकी होके बैठ जा, तेरी शर्म कर रही हूँ, अगर इससे निकाना करवाना होता ना, मजा तो इसे मैं जब चखाती। चल बाजी, अरे चुपकी होके बैठ जा। शेख जी देखना अपनी बहन को बिठा के कैसे जल्दी जल्दी चल रही है, मेरी टांग तोड़ के। ऐसे कर, तू साइकिल बैठ जा। हाँ शेख जी ये सही है, आजा आजा। अरे जल्दी जल्दी चल लो, वजन है मेरे ऊपर, आराम से ले जा, बैठ जा। अब चलो शेख जी, आराम से रुक जाना। शेख जी हाँ, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है। बस दर्द था पगली पास नहीं, तू तो मेरी साइकिल पे बैठी है, उसे देखो अपनी बहन कैसे घोड़ी की तरह ढोती फिर रही है, कुर्बानी दे रही है, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या कहा? अच्छा तुम्हें अच्छी लग रही है, और मेरी उसने टांग तोड़ दी। आराम से बैठ रही, आराम से, प्रधान के घर आने वाला, प्रधान के घर आने वाला फैसला, एक का बदला दूंगा। चलो जल्दी, इनकी बातचीत ही खत्म ना हो रही। कैसे कैसे चल रहे हो शेख जी? मेरी टांग में जोर लग रही है। अरे जल्दी जल्दी चलो, मेरा टांग मार रही है, एक बार सुन ले, आजा प्रधान का, आजा साली साहब फैसला करवा दूंगा, आजा। लात मार रही है, लात मार रही है, आंख ना निकल जाए। प्रधान जी चुप बैठी रहे, अबे खामोश खामोश, लगता है कोई केस आ रहा है।
प्रधान जी आप पूरा कुछ ना कुछ अपना पूरा खर्चा निकाल लेना। अरे आने तो दो, देखते हैं क्या मामला है। अल्लाह कैसे कर रही हो? बैठो आराम से। प्रधान जी सभी पंचों को, प्रधान जी सभी पंचों को बंदगी मेरी। बंदगी भाई है बंदगी। या अल्लाह मर गई, प्रधान जी बचा लो। प्रधान जी हम तो रिश्तेदारी में आए थे, बचा लो। बार उसाना हाल पताल मत गावे, बस सही सही बतला दे प्रधान जी को। शेख जी मैं तो मर गई, प्रधान जी मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, तुम तो बस फैसला करो। अरे शेख चिल्ली पहले बात तो बता, क्या मामला है, जब ही तो फैसला होगा। प्रधान जी मामला बहुत गंभीर है। बिल्कुल ताजा ताजा है, बोल तू बतलाएगी या मैं बतलाऊं? हम बताएंगे। हम दोनों बहनें जा रही थी, साइकिल पे चढ़ा आ रहा नवाबों की तरह, हमारी टक्कर मार दी और हमें गिरा दिया। साइकिल हमारे ऊपर गिराई और खुद सांड की तरह हमारे ऊपर पड़ गया। मेरे तो चोटी लग गई और मेरी बहन की तो टांग ही टूट गई। पूरे रास्ते पिद्दी पे बिठा के लाई हूँ, पिद्दी पे। बताओ प्रधान जी अगर मेरी बहन ना होती तो मुझे यहाँ तक कौन लाता? प्रधान जी अब मेरी बात सुनो। अरे सुना भी सिक्सली सुना, क्या बात है? मेरी बात ये है प्रधान जी, मैं निकला आ रहा था, दोनों बहन जानबूझकर मेरी साइकिल के आगे टकराई और हम धूं से गिरे। मेरे रुखसाने की टांग में चोट लगी, मेरी टांग टूट गई और साइकिल के चोट लग गई। मैं बताओ 6000 रुपए की लाया साइकिल, पूरे 6000 की। अरे भी हमारी सुनो, आपका फैसला तो हुआ हुआ है। वो कैसे प्रधान जी, हम तो जैसे आप कहोगे वैसे ही मान लेंगे। पर प्रधान जी जल्दी कर लो, मेरी टांग तो पुड़क पुड़क कर रही है। प्रधान जी आप जैसे बोलोगे हम वैसे ही करेंगे, बस हमारा फैसला करवा दो। अरे शेख चिल्ली आपका फैसला तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मगर ये हमारे 4 लोग जो बैठे हैं, इनके खाने पीने का खर्चा कहाँ से निकलेगा? फीस किस बात की फीस प्रधान जी? बहन जी अगर फैसला मैं करूँगा तो फीस तो आपको देनी पड़ेगी। हमें फैसला मंजूर है प्रधान जी। तेरी बहन की टांग टांग टूटी है बस। हाँ जी मेरी बहन की तो टांग भी टूट गई, इससे तो चला भी न जा रहा। पूरे रास्ते पद्दी पे डाल के लाई हूँ मैं। बहुत दर्द हो रहा है प्रधान जी। हाँ बहुत दर्द हो रहा, और मैं मेरी जो टूट गई, मैं तो साइकिल पे चढ़ के आई हूँ। अगर साइकिल ना होती मुझे तो शेख जी के ऊपर चढ़ के आना पड़ता। अरे भाई हमारी सुनो, टांग रुखसाना की भी टूटी, टांग तुम्हारी भी टूटी, हिसाब बराबर हो गया, पर जो साइकिल की टांग टूटी है उसके तो 600 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। क्यों जी प्रधान जी, ये तो तुम्हारा गलत फैसला है। क्या है? हमारा फैसला गलत है क्या? अब तक हमने कोई फैसला गलत करा है? गलत सुनना हमने छोड़ दिया ना फीसा, आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? अरे जो बात पहले तय हो गई है वो फैसला तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है जी, जैसा आप बोलोगे हम तो वो ही कर लेंगे। ठीक बोल रहे हैं बाजी। अरे भी से चिल्ली आपको ये 600 रुपए देंगी। ठीक है प्रधान जी 600 रुपए दिलवा दो, हम तो आपका फैसला मानने को तैयार हैं। दो इन्हें 600 रुपए दो। ये लो लो प्रधान जी। प्रधान जी क्यों दे, हमें दो प्रधान जी। चल प्रधान जी देखो ये लो 100 रुपए तुम रख लो। रखो रखो बस, एक्चुअली 100 रुपए ही। छोटा ही समझ लो बात को। चलो शेख जी चलो जन आजा आजा। बे भाइयों आज के छोटा ही था, 100 रुपए ही मिले हैं, आज की दारू पानी इसमें निकाल लियो। चल ले, तेरा निकाह हो जाएगा उससे, एक बार सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी मेरी।
चल ले। दर्द तो मेरे भी बहुत होता है। हट जा, हट जा, हट जा। फिर 600 रुपए देगी, हल कर जा। बाजी जाने दो, ये तो बहुत बदतमीज है। यू बदतमीज है? जबी तो तेरा निकाह इससे करवा रही हूँ मैं। मिठाई विठाई सी बन रही है? हाँ, रसगुल्ले भी बनाओगे? अच्छा, कितने डिब्बे चाह? अरे जितने चाहेंगे उतने ले लिए। लाला जी, मुझे तुम्हें कुछ देना है। भाई तू कल भी कुछ देने आया था। ए लाला जी, एक बार देख तो लो। मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं देख रहा कुछ भी। बार रुखसाना की बात नहीं मान रहा। नहीं मानता, मैं ना मानू किसी की भी। आ जाओ लाला जी, आ जाओ। नहीं आऊंगा। आ जाओ वरना देख ले, ईख में आग लगा दूंगा, तुझे फूंक दूंगा जिंदा को। हैं? खेत में आग लगा देगा? हैं? ईख में आग लगा देगा? अब तो बाहर आ जाओ, ईख के साथ तुम भी फूकोगे। आ लिया, आ लिया, आ लिया। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ लाला जी, बेफिक्र होकर आ जाओ। लाला जी डरो मत ना, हम तुम्हें कुछ देना है। देखो, अच्छा, तुम्हारे 5100 रुपए तो वो लेके थे हम। हाँ। और 1700 पहले लेके थे। हाँ। ये तो हमारी आपस में शर्त हो रही थी। अच्छा। हाँ, ये लो अपने पैसे। ठीक है, जाओ। ठीक है लाला जी, अब खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, क्या इतने ईमानदार लोग भी हैं? मजाक कर रहे थे। बैठो। आ गई? अभी क्यों आ गई? एक दवाई लेने भेजी थी या पूरा मार्केट खरीदने भेजी थी? हैं? वहाँ पे सिकल दिखाती फिर रही होगी। या अल्लाह, मेरा तो इस बहू से छुटकारा दिला दे। देख लो क्या अंडसंड बक रही है ये। आए है। अम्मी, क्या तुम भी अंडसंड बक रही हो? सुबह सुबह बातें करा करो, तुम्हें दवाई चाहिए ना? ये लो दवाई, दवाई लो। मुझे कुछ नहीं पता, बस अगर ये इस घर में रही तो मैं नहीं रहूंगी। अब तू बता, तू मेरे साथ रहेगा या इसके साथ? एकदम कैसे बतला दूं अम्मी, ये काम जल्दबाजी के नहीं होते। मुझे ये इस घर में नहीं रखनी, तो कुछ भी कर। फिर तो अम्मी इसे तलाक देना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, तूने मेरे दिल की बात कह दी मेरे लाल। करा, तू मेरा तलाक करा, अपने दिल की पूरी करा। मैंने भी मेहर में पूरा ये घर अपने नाम करवा रखा है। इस घर की मैं मालकिन हूँ, मालकिन। ये पूरा मेरा घर है। क्या तू मुझे धमकी दे रही है? कुछ भी हो जाए, मैं तेरा तलाक करवा के मानूंगी। ठीक है, जैसा मन करे ऐसा कर ले, लड़ो मत। ये ले अपनी दवाई, मैं तो डॉक्टर को दिखा कर लूंगी दवाई। और सुन, तेरा मैं तलाक करवा के रहूंगी। क्या पता कैसी दवाई लाई है, जहर वहर ना ले आई हो मुझे मारने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है, करवा लेना तलाक। मर पड़े वो निकालो दोनों के बीच में। लेट जाओ, इन दवाइयों में भी जहर मिला के ले आई। यो तुम्हारी शर्म है, मैं तुम्हारी अम्मी की इतनी सुन लूं? आज तक ना सुनी मैंने अपनी अम्मी की भी। तू होसना होसना होसना, आई की शक्ल बिगाड़ दबा। होसना है, जुबान देख डाल दी नहीं अम्मी की गाड़ी। होसना, सुन ले यो। अल्लाह, मैं तो तंग आ गई इस बहू से, कब छुटकारा मिलेगा इससे? नफीसा कहाँ चली गई? नफीसा, अरे अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम बेटी। बैठो चाची। अरे यहाँ कहाँ बैठ रही हो? यहाँ बैठो मेरी चाची, तुम तो हमारी बड़ी हो, हमारी माँ जैसी हो बिल्कुल। और बताओ चाची, मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूँ? ऐसा करो, मैंने अभी अभी कोरमा बनाया है, पहले वो खा लो, बातें बाद में करते रहेंगे। अरे कोरमा छोड़, ये बता ये कैसा लेट रही है? कहीं ऐसा ना हो
मैं शेख चिल्ली के बारे में बता दूं तो चाची निकाह के लिए ना कर दे। नाम ना लूंगी मैं, कुछ और बात कर लेती हूँ। अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं चाची, मैं तो ये कह रही थी तुम्हारे घर से आ रहे थे तो रास्ते में पैर फिसल गया इसका। तुम्हारा घर क्यों बोल रही है? अरे इसका अपना घर बोल, अपना घर। और सुन, मैंने तलाक की बात रख दी है। अरे वाह चाची, बस मैं तुम्हारी इसी बात पे तो दावत कर रही हूँ। अब तुम ऐसा करो, कोरमा खा के जाना। अरे दावत वावत तो होती रहेगी, अब तो रिश्तेदारी बन जाएगी, आना जाना लगा रहेगा। अच्छा बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। ठीक है चाची, कोरमा किसी और दिन सही। हाँ ठीक है। क्या हुआ शेख जी, तुम भी वही सोच रहे हो क्या जो तुम्हारी अम्मी बोल रही थी? अगर ऐसा सोच रहे हो तो मुझे बता दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुझे तो पता ही है रुखसाना, मैं अपनी अम्मी की बात टालने वाला हूँ नहीं। जो मेरी अम्मी बोलती हैं ठीक बोलती हैं। क्या, तो मैं अपनी बात का ये जवाब पक्का मान लूं? अम्मी को मैं क्या जवाब दूंगा, अम्मी से किस मुंह से कहूंगा? तुम कुछ मत कहो, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, अभी तो मेरी अम्मी जीव है जीव है। बैठ 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 बैठ, एक बार सुन, मैं तुझे तलाक क्यों दूंगा? मैं पागल हूँ, मूर्ख हूँ मैं जो तुझे तलाक दूंगा? पागल मूर्ख को तो तुम अकलमंद भी ना हो। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मैं जा रही हूँ। बाहर रुक जाना, जा चली जा साली, चली जा जा, वह अपना आप आती फिरेगी। जब साली मैं तुझे तलाक ही नहीं दूंगा तो तू मुझे कैसे छोड़ पाएगी? रही अम्मी की बात, अम्मी को तो मैं समझा ही लूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद। या अल्लाह, अब मैं इस घर में आने वाली नहीं हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। बच्चा। हाँ बाबा। बेटे कैसे परेशान से हो? क्या बताऊँ बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है बेटे, हमें बताओ। बाबा मेरी सास मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरे शेख जी का दूसरा निकाह करवाएगी। बेटी ये शेख जी कौन है? बाबा मेरे शोहर का नाम है शेख जी। अरे मेरे परवरदिगारे आलम, इतनी तहजीब वाली लड़की को भी इतनी तकलीफ, जो इतना नाराज होकर भी अपने शोहर के नाम के साथ जी लगाकर बोल रही है। जरूर तेरी सास के बीच और तेरे बीच कोई गलत फहमी है। बाबा मैं कुछ समझी नहीं आपका मतलब। मेरा मतलब ये है बेटा, जो तू अपने लिए मांगेगी तेरी सास को डबल मिलेगा, जैसे जमीन जायदाद पैसा बीमारी हैजा कोरोना किसी भी चीज को मांगेगी वो उसको डबल मिलेगी। समझ गए ना मेरी बात को? क्या सच बाबा? हाँ बेटी, उस परवरदिगारे आलम ने आज तक इस फकीर की दुआ को कभी झूठा साबित नहीं किया, इस बात पे तू यकीन रख। ठीक है तो बाबा, अब मैं वापस घर जा रही हूँ, मुझे अल्लाह पर और आप पर पूरा भरोसा है। अल्लाह की जात पे यकीन रख बेटा, अल्लाह की जात पे यकीन। ठीक है बाबा। अल्लाह तेरा भला करे। ऐ मेरे मौलाए करीम, इस बच्ची पे अपना रहम फरमा, इस बच्चे पे अपना रहम फरमा। मेरे मौलाए करीम, इस फकीर की जुबान को कभी छूटा ना होने देना। मेरी लाज रख ले मेरे मौला, मेरी लाज रख ले। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। ओवे रुखसाना सही में चली गई साली, ऐसे था यही मत, मैं तो अपनी अम्मी के साथ रहूंगा। तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। अरे क्या गाना सा गा रहा, गाना गा रहा या रो रहा? अम्मी हाँ, मुझे मेरे यार धर्मेंद्र की बात याद आ गई। धर्मेंद्र की बात? हाँ। तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख जो तू रूठ कर चली जाएगी, तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर जाएगी। चुप कर, क्या उलझल उल बकता रहा ऐसे ही? और वो कहाँ गई है शहजादी? वो तो छोड़ कर चली गई अम्मी, अब तो तेरे मन की हो गई। मैंने बोल दिया जा चली जा, मैं तो अपनी अम्मी के साथ रहूंगा। अरे वाह मेरा बेटा, मेरा लाल, यही तो मैं चाह रही थी।
तू तलाक दे उसे, तेरा निकाह पक्का। तू तलाक दे उसे, फिर तेरा निकाह पक्का। मैं क्या अपने घर गई थी, मैं तो बाहर ऐसी घूमने गई थी। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा था, मगर साली कहीं नहीं जाने वाली, अभी आने वाली है उल्टी। फिर देख क्या रही है, चल काम कर, आंखें दिखा रही है मुझे। बाबा की बात आजमा के देखती हूँ, कितनी सच है और कितनी झूठ। ए बाबा, मेरी आंख को थोड़ा सा कम दिखाई देना शुरू हो जाए। बेटा बेटा बेटा, तू कहाँ है? अम्मी, मेरी कान में उंगली घुसेड़ रही है, क्या कर रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ? बेटा मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा। धुंधला दिखाई दे रही है? हाँ। आँख मल के देख। बेटा आँख भी मल ली। ओए, इसकी भी आँख फड़फड़ा रही है? हैं? ये तो मेरी तरफ कोई देख रहे हैं? ओए, तो ये क्या हुआ? हैं? तेरी तो आदाशी बदल गई। साली, अब मैं अपने घर में रखने वाला नहीं हूँ। आँख चला रही है अम्मी की तरफ को। क्या शेख जी बोल रहे हैं मैं रखने वाला नहीं हूँ? बाबा, अम्मी की आंखें खराब कर दो और मेरी ठीक कर दो, ताकि मैं शेख जी के पास ही रहूं। बेटा बेटा, मुझे तो दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। क्या? हाँ, रुखसाना तो कहाँ है? यहीं हूँ मैं तो। देख, तुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा, या फिर मेरे बेटे को तलाक दे दे, मैं इसका दूसरा निकाह कर दूंगी। बाबा, मेरी सास की दोनों आंखें ठीक कर दे और मेरी थोड़ी सी खराब कर दे। बेटा, मेरी तो आंखें ठीक हो गई, मेरी तो दोनों आंखें ठीक हो गई, खूब दिखाई दे रहा मुझे। हाँ, आंख दोनों ठीक हो गई। हाँ, मगर अम्मी, इसकी तो एक आंख खराब हो रही है, फरर कर रही है एक आंख से। इसकी एक आंख ना बेटा, इसकी तो दोनों आंखें खराब है, इसे तलाक दे दे। मेरी क्यों खराब होती, मेरी तो दोनों ठीक है, ये देखो। अम्मी, तुम्हारी आंख भी ठीक हो गई, ओबे तेरी भी हो गई। ओबे या अल्लाह, तेरी कैसी कुदरत है, हैं? ऐसे करता हूँ, मैं कुछ बांटने के लिए आता हूँ, अल्लाह के नाम पर तुम्हारी दोनों की आंख सही हो गई, हैं? और अल्लाह से तौबा भी कर लूंगा, बेफिक्र रहो। हाँ। दोनों की आंख सही होगी, ये सही है। और तू मेरी नजरों के सामने मत आया कर, चली जा यहाँ से, तेरे से सुंदर आने वाली है हमारे घर में बहू। हाँ हाँ, ठीक है लियाना, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ हाँ, सोच ले, खूब सोच। बैठो घर में, बैठो। कोई कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। अजी वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो शेख जी। बानो, अरे ओ बानो। हाँ बाजी। जरा पानी लेके आइयो, शेख जी आए हैं। अभी लाती हूँ बाजी। लो जी, पानी पियो आप। ओए, आप बोल रही है? आप बोल रही हो? भाभी, मैं तो उस दिन के लिए आपसे माफी मांगने आया था, आपके पैसे वापस दे दूंगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है, पैसों का क्या है, पैसे तो चाहे और ले जाओ, तुम्हारा हमारा किसने बांटा? मगर ये बताओ, बानो तो तुम्हें पसंद है ना? तमीज तो कूट कूट के भरा है इसमें, बहुत तमीजदार है, और तुम्हारी अम्मी को तो बहुत पसंद है ये, कैसी लगी? क्या तमीज कूट के भरी है, देखता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी बानो, मुझे तो पसंद है।
अरे वाह, देखा बानो, अब तू बस जल्दी से तलाक दे दे। क्या, तुम्हें भी तलाक देना? अरे ना ना शेख जी, ऐसी कोई बात ना है, इसका तो हुआ बा है, मैं तो तुम्हें बोल रही थी। भाभी एक बात बतलियो, इनकी पैंट फटी हुई है, ये गांव के कुत्तों ने फाड़ दी। हमारे गांव में कुत्ते भी नलायक हैं साले। अरे इतना भी नहीं जानते, ये तो डिजाइन है, आजकल का फैशन है लड़कियों का। डिजाइन है? ओबे ऐसा भी डिजाइन हो? ओबे वानो डिजाइन भी सेट दे रही है। अरे भाभी मैं चलता हूँ, आपके पैसे मैं दे दूँ। और सुनो, अपना ध्यान रखना जी। सही कह रही है बाजी। ओबे जी बाजी, ठीक है जी। ओबे शर्म आ रही है, शर्म शर्म कर रही है। ओबे नारजी बागे कर रही है काम को। यो यो देखा बानो, अब तेरा पौवा बिल्कुल फिट है। क्या करूं, कैसे करूं, अपनी सास से तो मुझे बदला लेना है, जहां मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अरे कुछ काम कर ले, लेट ही रहेगी। पता नहीं कहां से आ गई है करमजली मेरे घर में, ना मुझे पसंद ना मेरे बेटे को पसंद। अभी आ रही हूँ शेखू को देख के, पता नहीं कहां गया। इतने शेख जी आए, मैं बाबा से अपना सुंदर होने का वरदान मांग लेती हूँ, ताकि मुझे इतना सुंदर देखकर शेख जी तलाक ना दें। बाबा मुझे इतना सुंदर बना दो, मुझे शेख जी देखें देखते ही रह जाएं। क्या खा, क्या खावे? बस पूछो ना अम्मा, सिगरेट है, सिगरेट। बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा अच्छा अम्मा, नमस्ते नमस्ते। हाँ घोड़ी घोड़ी लाल लगाओ। क्या खबर है, एक रात में आमी जाना ही क्या खाती है, इतनी जवान हो गई है। एक रात में इतनी जवान हो गई? हाय मेरी जान, क्या हाल चाल है? बड़ी लाल चूल हो रही है, चलती है क्या? तेरे अब चोलिया केले अक में चोलिया गलियों में चावा। अरे पागल हो क्या? ओए वाह, बदतमीज से किसकी लड़कियों की छेड़ रही है? ओए 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 मानी ना रे साले। अबे दस दस सारे बदतम बदतमीज सारे सारे। मार बेटा, मार मार साले साले लुंगाड़े। जवान जवान कह रहे हैं, जवान जवान कह रही है, तू लग भी ऐसी रही है। नहीं ये लुंगाड़े छेड़ रहे, घर चल घर चल घर बेटा। अरे वाह, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, लगता है बाबा का चमत्कार काम कर गया पूरा। देखती हूँ ठीक से, मैं इतनी सुंदर हो गई, मैं क्या करूँ? क्या गोबर ठाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं इतनी सुंदर हो गई, मैं क्या करूँ? क्या झाड़ू लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सज गई मैं तो अपने शेहू के लिए। जब अम्मी आएंगी ना, अम्मी की तो मैं सेवा करूंगी, मेरी अम्मी है, अब मैं उन्हें सास नहीं समझूंगी, बहुत सेवा करूंगी। और जो मैंने गलतियां की है ना, मैं उनकी भी माफी मांग लूंगी,
क्या अम्मी मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी और मैं अपने शेख जी को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तलाक देने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मी क्या पूरा गांव कहे जब भी शेख जी को छोड़ के ना जाऊं मैं। बेटा रुखसाना को कभी तलाक मत देना, इतनी अच्छी सोच इसकी, ये तो मुझे माँ समझती है माँ। और तू मुझे बार बार कह रही तलाक दे दे तलाक दे दे, रुखसाना को तलाक दिवा के तू क्या मुझे दर दर का भिखारी बनागी। बेटा ये मेरी गलती थी, चल चल चल, जब मर जाऊं पर छोड़ के नहीं जाऊंगी अपने शेख जी को। रुखसाना मेरे बच्चे। अम्मी तुम इतनी सुंदर, और रुखसाना तू भी कितनी सुंदर हो गई है मेरे बच्चे। तुम इतनी सुंदर हो गई मुझे डर लग रहा, तुम मेरे से कोई भी लेना जा कोई। शेख जी कैसी बात करते हो, पागल कहीं का। अम्मी हाँ मुझे माफ कर दो अम्मी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, तुम्हें बहुत सताया है अम्मी। नहीं बेटा आजा, तू तो मेरी बेटी है। ओवे अम्मी पार्टी बदल दी, इसे गले लगा लिया, मुझे छोड़ दिया। आजा तू भी आजा इधर। अम्मी हाँ बेटी, अब मैं आपको और शेख जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची तू कहीं मत जाना, मैं भी तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी मेरी बच्ची। हाँ अम्मी। चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाची तुमने रात रात में कौन सी गोली खा ली, इतनी खूबसूरत हो गई दोनों सास बहू। हाँ हाँ गोली खा ली, तू बोल क्यों आई है। ये क्या बोलेगी अम्मी, जिससे तुम निकाह कराने की कह रही थी ना, वो तो खुद तलाक मांगती फिर रही है इसकी बहन। क्या वो शादीशुदा है। चाची मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने वापस बुला लिया, अब तुम रुखसाना को तलाक मत दिलवाना वरना बहुत गजब हो जाएगा। जा जा चली जा, मेरी रुखसाना तो लाखों में एक है, लाखों में एक, मेरी तो मती मारी गई थी जो तेरी बातों में आ गई। बेटी रुखसाना मुझे माफ कर दे मेरी लाली। ये क्या कह रही हो अम्मी तुम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा अम्मी के गले से लग और माफी मांग ले। ठीक है शेख जी, अम्मी मुझे भी माफ कर दो। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं अम्मी तुम मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा तू मुझे माफ नहीं कर दे। तू मुझे माफ कर दे। नहीं शेख जी तुम मुझे माफ कर दो। माफ कर दे शेख जी तुम कर दो। मैं तो कर दूंगा, तू मुझे माफ कर दे। नहीं आप मुझे माफ करो पहले। ओवे माफ किया जाए अम्मी, माफ किया जाए। हाँ बेटा। चाची तुम मुझे भी माफ कर दो, रुखसाना तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। क्या बहन जैसी है। हाँ। इसका मतलब तो साली बन गई। ओवे चोंच लग रही है, चोंच लग रही है, चोंच लग रही है साली, चोंच लग रही है। तो अब हम भेद लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा, इन्होंने मेरा समोसा भी खाया और मुझे ईख में भी घुसाया, और मैं तो पूरे 5 किलोमीटर चली इसे पिद्दी पे बिठा के, और मुझे तो विटामिन खाना पड़ा दोबारा जवान होने के लिए। हाँ दोस्तों देखो मेरी सुंदरता, मुझे भी बाबा से वरदान लेना पड़ा इतने सुंदर होने के लिए। और दोस्तों मुझे साइकिल में गिरना पड़ा, मेरी टांग में चोट लगी, रुखसाना को बैठा के साइकिल प्रधान तक ले गया, 600 रुपए बेईमानी के इनके खाए, 100 रुपए प्रधान को रिश्वत दी। अगर मेरी बाजी नहीं होती तो मैं प्रधान तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इस बिली में हमारे नए प्रधान है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमारे एनडीजे कंपनी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों जो भी हमारी मूवी में कमी हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों शेख चिल्ली की फिल्म एनडीजे कंपनी पे आती है, जो भी कमी हो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अपनी कमियों को छांटते रहें। हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर करें, कमियों को छांटते रहे, सुपारी काटते रहे, हमारी कमियों को छांट रहे, इंडिया वाले सुपारी काट रहे हैं।